YouTube वीडियो और थंबनेल में इमेज यूज करने से डरते हो क्योंकि कोई कॉपीराइट नहीं देते, इस कॉपीराइट के झंझट से कैसे छुटकारा पाए, तो आज के इस वीडियो को मेरे साथ आप अंत तक देखिए। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपको सिखाते हैं कि गूगल से अगर जो भी आप इमेज को सर्च करते हैं वहाँ पे और डाउनलोड करते हैं तो वो सारे इमेज को कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सा इमेज आपको वहाँ पे यूज करना चाहिए। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ मेरा मोबाइल का स्क्रीन है आपकी आंखों के सामने, ठीक है। आप देखिए क्या करना है कि आपको आना है यहाँ पे गूगल में, और गूगल में यहाँ पे जैसे सर्च करना, हम यहाँ पर सर्च कर देते हैं इंडियन फ्लैग, ठीक है। इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ इस तरह से इंडिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लैग, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम यहाँ पर फ्लैग लिख दिए और इमेज, उसके बाद देखिए हम यहाँ पर सर्च कर देते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पर बहुत सारा इमेज आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या करना है, यहाँ इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करना, और इमेज के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा इमेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से कौन सा इमेज यूज करें ताकि आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह कुछ भी ना आए, ना कॉपीराइट क्लेम आए ना कॉपीराइट स्ट्राइक आए। क्योंकि दोस्तों मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखा है, एक आदमी का तो ऐसा था कि 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुका था और 11-11 स्ट्राइक YouTube ने मार दी, क्योंकि वो यहीं से इमेज को यूज करता था और इमेज का ही सारा स्ट्राइक था। तो इसलिए आज मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से आप देखिएगा। तो देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लिखा है ऑल इमेज शॉपिंग, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा एक यहाँ दिखेगा सर्च टूल, ठीक है। सर्च टूल के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ साइज कलर और यूज राइट, ठीक है। तो क्या करना है, यूज राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखा देगा कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस और कमर्शियल अदर लाइसेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल में दोस्तों सारा कुछ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितने सारे ये फ्लैग है ना आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे फ्लैग आप आसानी से यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह कोई नहीं देने वाला, ठीक है। ये कॉपीराइट फ्री है, तो ये सेटिंग कीजिएगा, उसके बाद है आपको यहाँ से डाउनलोड करना। अब चलिए मैं इसको डाउनलोड करके रखते हैं अपना फिंगर, और देखिए यहाँ डाउनलोड इमेज आ जाता है, ठीक है। तो डाउनलोड इमेज के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं हमारा ये यहाँ ऊपर में डाउनलोड हो गया होगा, ठीक है। देखिए ये डाउनलोड हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं जहाँ भी आप ओपन करेंगे। चलिए मैं पिक्सल लैब में आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं ये फ्लैग जो है हमारा इस तरह से यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो गया है, देखिए, और वो भी PNG में। तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी डाउनलोड करना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।